हेलो एवरीवन, और ये जीके टेस्ट सीरीज का 64वां पार्ट है। आप जानते हैं, सबसे पहले हम लोग 63वें पार्ट का उत्तर करेंगे और उसके बाद 64वें पार्ट की तरफ चलेंगे। तो चलिए 63वें पार्ट का उत्तर करते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है अब्दुल हमीद लाहौरी, बादशाह नामा के लेखक हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है दारा शिको, मजमाउल बहरैन के लेखक है दारा शिको, और उन्होंने सकीनातुल औलिया भी लिखा। बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था ये दारा शिको। और बाबरनामा, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है तुर्की भाषा में लिखी गई थी मूल रूप से। चौथे प्रश्न का उत्तर है रजमनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद था। पांचवें प्रश्न का उत्तर है बदायूनी और नकीब खां, रामायण का अनुवाद क्या था। और छठे प्रश्न का उत्तर है अंडमान निकोबार, यहाँ की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। और सातवें प्रश्न का उत्तर है दिल्ली। और आठवें प्रश्न का उत्तर है बरार, बरार को विजयनगर के विरुद्ध जो संघ बना था उसमें शामिल नहीं किया था, जो मुस्लिम राज्यों का संघ था। और नौवें प्रश्न का उत्तर है 23 जनवरी 1565 विजयनगर की लड़ाई हुई थी। राक्षस तांगड़ी, तालीकोटा, बन्नीहट्टी भी बोलते हैं इसको, तीन नाम है याद रखिएगा। इसमें विजयनगर का पतन हो गया था 23 जनवरी 1565। और दसवें प्रश्न का उत्तर है बीदर, बीदर को शामिल, सॉरी, दसवें प्रश्न का उत्तर है जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर था दक्षिण राज्यों के संघ ने, लेकिन बरार नहीं था। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। ये जो दक्षिण राज्यों का संघ था विजयनगर के विरुद्ध, इनका नेतृत्व किसने किया। और दूसरा प्रश्न, विजयनगर का नेतृत्व करता कौन था। तीसरा प्रश्न, बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश से संबंधित है। चौथा प्रश्न, काजीरंगा अभयारण्य टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है। पांचवा प्रश्न, नामदफा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में अवस्थित है। और आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, पार्टिसिपेशन अच्छा कर रहे हैं। साथ में जो लोग नहीं जानते हैं या जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है अभी तक जीके 1 से 105 को, जल्दी करिए। और करेंट की भी 50 वीडियो है उसको, ये आपके लिए एक कोर्स है, उसको जल्दी कंप्लीट कीजिए 30 से 35 दिन में, और कंप्लीट करके छोड़ मत दीजिए उसको। बार बार उसको हर महीने में आपको पूरा रिवाइज कर जाना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कैसे भी हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, आप वीडियो सुनते रहिए ताकि आपको रिकॉल होता रहे और आप जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर रहे हैं। औरों में और आप में यही फर्क है, बाकी लोग अनसिस्टमेटिक और कहीं से कुछ भी जीके पढ़ रहे हैं वो नहीं करें। आप बाजाबते जीके 1 से 105 जो सेट है उसको करें और करेंट का सेट करें, तो इससे आपका सिस्टमेटिकली संपूर्ण सिलेबस पे आप कवर कर जाएंगे। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन कर रहा है कुछ भी लगा दिया, वैसे बिल्कुल नहीं पढ़े। उससे आपको जानकारी तो होगी लेकिन उससे आप सिस्टमेटिक जानकारी नहीं होगी, आपको एक बहुत बड़ा लॉस होगा। इसमें आप हर पहलू पे आप ध्यान दे रहे हैं, हर पहलू का एकदम सिस्टमेटिकली आप सिलेबस वाइज तैयार किया गया, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए छठा प्रश्न लेते हैं, पलामू बाघ अभयारण्य कहाँ अवस्थित है। और सातवां प्रश्न, नागरहोल बाघ अभयारण्य कहाँ अवस्थित है। और पेरियार अभयारण्य कहाँ अवस्थित है। नवा प्रश्न, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। और दसवां प्रश्न, सुंदर वन टाइगर प्रोजेक्ट ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो चलिए बहुत बेहतरीन है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रखा है
और ऐसे ही करते रहिए, मुझे उम्मीद है आप अच्छा करेंगे। थैंक यू।